नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल। हमारा खुद का हॉस्पिटल अकोला में है, अकोला महाराष्ट्र इंडिया में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है सेक्स रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम है मास्टरबेशन या हस्तमैथुन। ये जो टॉपिक है ये बहुत सालों से हम पढ़ते आते हैं, बहुत जगह हमें ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक पे डिस्कस करना एक बहुत बड़ा टैबू है। आज भी भारत में इसे ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, ओपनली पढ़ाया नहीं जाता है, और खाली मेडिकल के जो कोर्सेस होते हैं उसमें ही इसके बारे में जानकारी होती है। उसके कारण क्या होता है कि जो भी नॉर्मल जो डिग्री लेते हैं, जैसे कॉमर्स, साइंस ग्रेजुएट्स, आर्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, उनको मास्टरबेशन और हस्तमैथुन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, और उसके कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने लगते हैं। जैसे पेशेंट को डिप्रेशन आना चालू हो जाता है, एंग्जाइटी आती है, या सुसाइड की कोशिश भी बच्चे करने लगते हैं। बेसिकली मास्टरबेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन की प्रोसेस क्या है। जब अब अपन खुद का लिंग जो पेनिस होता है वो हाथ में लेकर अगर उसका घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और उसके कारण हमें सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है, काम पूर्ति होती है, अगर ऑर्गेजम आता है, तो उसको बोलते हैं हस्तमैथुन। हस्तमैथुन ये दोनों प्रकार के लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करते हैं। ऐसा पाया गया है कि 92% मेल्स हस्तमैथुन करते हैं और 60% फीमेल हस्तमैथुन करती है। क्या हस्तमैथुन करना नॉर्मल है? जी हाँ, हस्तमैथुन करना बहुत ही नॉर्मल है। ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेनन है। हस्तमैथुन करने के कारण जो हमारा सेक्सुअल टेंशन है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो रिलीज हो जाता है और हमें एक आउटलेट मिलता है, जिसके कारण हम रिलैक्स फील करते हैं और हमें अच्छा लगता है। बेसिकली हस्तमैथुन करना, मास्टरबेशन करना इज अ वे ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। मतलब हस्तमैथुन करने से हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लगता है और सेक्सुअली हम रिलीज फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। इतना होने के बावजूद भी जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सालों से हमें ये बताया गया है कि हस्तमैथुन अच्छा नहीं है, हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए, हस्तमैथुन से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्स है, ये सब फालतूगिरी है। बहुत सारे बाबा वेदू ने ये ऐसा दिमाग में हमारे फिट करके रखा है कि हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, पर ये पूरी तरह रॉन्ग है। हस्तमैथुन करने से कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आता नहीं। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हस्तमैथुन करने से पूरी बॉडी खराब हो जाती है, अंदर का जो वीर्य है वो खत्म हो जाता है, हमारे चेहरे पर मुरुम एक्ने आने लगते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, हम शादी के बाद सेक्स नहीं कर सकते, हमें इम्पोटेंस होने लगता है, वीर्य खराब होने लगता है, वीर्य पानी जैसा होने लगता है, जो लिंग है पेनिस है वो छोटा होने लगता है, हमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, बाद में बीवी को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति हस्तमैथुन करता था। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो मिथ्स है वो पूरी तरह गलत है। हस्तमैथुन करने से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत सारी स्टडी है, स्टैटिस्टिक्स है और साइंटिफिक बेसिस है। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि हस्तमैथुन करना गलत है, तो आप उसे पूरी तरह झुठला सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हस्तमैथुन कब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? यदि आपको उसका एडिक्शन हो गया और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी ऑब्सेशन हो रहा है, बार बार हस्तमैथुन करने की इच्छा हो रही है, पब्लिकली हस्तमैथुन करने की इच्छा हो रही है, तो हस्तमैथुन करना गलत है। अदरवाइज हस्तमैथुन करना बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। होता क्या है, जब हम हाफ नॉलेज लेकर जाते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं बच्चे, और हम गलत नॉलेज बताते हैं हस्तमैथुन के बारे में, तो दिक्कत क्या होने लगती है, फिर जो बच्चा है, जो लड़का है, लड़की है, वो टेंशन में आने लगता है। अलग अलग प्रकार के मानसिक तान तनाव बच्चे को होने लगते हैं, व्यक्ति को होने लगते हैं, उसको टेंशन आता है, उसे एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने हस्तमैथुन करके एक बहुत बड़ा पाप कर लिया है और मैंने मर जाना ही बेहतर है, और फिर वो सुसाइड का स्टेप भी ले सकते हैं। इसलिए ये वीडियो के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हस्तमैथुन पूरी तरह एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि हस्तमैथुन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी इश्यूज है, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे क्या, कोई भी साइकियाट्रिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आज ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको मास्टरबेशन के कारण होने वाले जो जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी पूरी जानकारी नहीं है। वो पूरी तरह गलत इन्फॉर्मेशन हमको बताते हैं और उसके कारण जो आजकल के बच्चे हैं उनका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि शादी के बाद मास्टरबेशन करना चलता है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ डेफिनेटली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद भी हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, और वो भी अलाउड है, वो भी चलता है। मास्टरबेशन करने के कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। मास्टरबेशन है कंप्लीटली हेल्दी है, ये करने के कारण एक्चुअली हम हेल्दी रहते हैं। जैसे लोग जिम में जाकर बाइसेप्स करते हैं, जिम मारते हैं, बॉडी उठा वेट उठाते हैं, वैसे ही मास्टरबेशन करने के कारण हमारा जो पेनिस है वो हेल्दी रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो जरूर लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला सेक्स रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।